हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले तो तहे दिल से सॉरी है भाई, नहीं डाल पा रहा मैं वीडियोस बिकॉज ऑफ माय शादी। तो शादी की डेट फिक्स हो रखी है तो मैं थोड़ा इसलिए बिजी चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पुरानी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं ना थोड़ा मुझ पर बोल रहे हैं, बड़क मार रहे हैं, तुम्हारे पास और कुछ है नहीं क्या। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, आप ऐसे बोल दो ना मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, आप मेरे को मोटिवेट करते हो कि हाँ भी ठीक है। लेकिन कभी एक चीज़ देखना, मेहनत करते हैं बहुत अच्छे से हम, धूप में आसान नहीं है चीज़ें करना भी, आपको कमेंट करना बहुत इजी हो जाता है, ऐसे टाइप करा दैट्स इट खत्म, हम शूट करते हैं हमें पता कितनी मेहनत लगती है। तो कोई बात नहीं, आज बहुत टाइम बाद मैं फ्री हुआ हूँ, फ्री क्या मैं होता तो ऑफिस में ही हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज मैं करने वाला हूँ सिमरन पे प्रैंक। वो भी कौन सा, ठीक है, मैंने उसको बोला शादी आ रही है हमारी, अपने बाल सही करवा ले, सही करवा ले, सही करवा ले, हरे हरे बाल, हरे हरे बाल। नहीं माने, एक बार बोला, दो बार बोला, मैं कहा नहीं अच्छा लगता, कर ले कर ले कर ले, नहीं कह रहा नहीं नहीं। तो मैंने भी सोच लिया कर रहा हूँ आज लाइव, देखो क्या करूँगा, जिसमें कि मेरा देखो कौन साथ दे रहा है। तो ये हमारे THF का नया मेंबर छोटा डॉन सतीश भाई डॉन, निकनेम पौआ ने फनी नेम, फनी नेम, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार, बहुत ज्यादा फनी बंदा है हमारा, ठीक है। तो चले भाई, चलो मजा करें, अब हम आपको दिखाते कैसे करते हैं प्रैंक। चलो तंग करते हैं, जा जा आदत से मजबूत है। अरे इसकी रील बना रहा था, इसकी बना रहा, तुम्हें क्या दिक्कत है ना, काम करो। ओके लाइव में मिलवाओ ना उसको भी, मुझे पता है आप लोग गाली मुझे बहुत दोगे, क्योंकि आपको आदत है मुझे गाली देने की, अगर सिमरन को कुछ कह दो ना तो आप लोग मुझे गाली बहुत देते हो, ठीक है। चाय दे दो, तो जान तैयार तो हो जाओ, तैयार क्यों ना, तैयार ही हूँ मैं, कंगे उंगे कर ले जाओ भैया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं एक देखो अभी मैं कर रहा हूँ प्रैंक लाइव, ठीक है। तो मैं अभी उसके बालों पर मैंने चिंगम चिपका दिया, सबको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं कैसे, अभी चीखे भी बहुत तेज, ओ माय गॉड, ये सब ये मिला हुआ मैसेज, ठीक है लाइव। ओए ये किसने किया, ये कहां से लगा है, क्या लगा है, मैं तो अभी हेयर वॉश करवा के आई हूं यार, कहीं ऐसे पक बैठ गए होगे, क्या कर दिया, किसने किया तुमने यार, मैंने अभी काम भी करने गए हो, क्या किया ये, मैंने करा है, मेरे को बोल रही हूं, अरे अंकल को दर्द हो जाएगा, अंकल रहने दो यार, आ नहीं बाल में बाल खींचेगा, बाल खींचेगा, बाल लाओ कैची, लाओ कैची, कैची लाओ कैची, तुमने क्या है, नहीं पागल हो गया, मैं तो दिखा रहा हूँ कि ये देखो, हाँ तुम अभी शूट करने गए थे ना इस पे, इस पे लगी रहेगी, जाओ मनीष भाई को बोल,
यहाँ तो कोई चिंगम नहीं लगी है। अरे बालों पे लगी ना तो, अरे अगर मेरे बालों पे लगी हो तो अरे शूट करने गए थे उस पर बैठी होगी बेंच पे, किसी ने चिपका दी होगी वहाँ लगी होगी। चलो यार मैं अभी हेयर वॉश करवा के आई हूँ थोड़ी देर पहले, ये देखो मेरे को यार दिमाग मत खराब करो मेरे बाल खराब हो रहे हैं यार। अभी रुक जाए एक सेकंड, रुक मैं इलाज करता हूँ उसका। जय भैया कैची गाय कैची है सिमरन के बाल पे चिंगम लग गई कि बाल काटने पड़ेंगे तो चल चल आ जा। अरे अभी कुछ नहीं होता क्या करूँगी यार, मेरे बाल मत काटो पर मैं नहीं जोड़ो रुक जा अबे रुक जा मैं साफ कर लूँगी मैं नहीं हाँ तो रुक जा अच्छा निकाल दो निकाल दो निकाल मैं साफ कर अरे निकाल रहा हूँ अच्छा देखो उधर देखो देखो हंस रहा है वो देख नहीं मैं बाल नहीं कर रहा अरे देख उधर देख वो बुला रहा है मैं छुड़ा लूंगी अच्छा चल मैं कर रहा हूँ छोड़ हाँ मैं छुड़ा रहा हूँ छुड़ा रहा हूँ बाल लग रही अच्छा हाथ से उतार रहा हूँ नहीं हाथ से उतार रहा हूँ हाँ अरे हाथ अरे इससे छुड़ा रहा हूँ देख कैची नहीं कैची नहीं दिखाओ ना कितने बाल हो गया मेरे बाल में ये हरे बाल मैंने मना कर दिया शादी आ गई है अरे मेरे बाल गिर रहे हैं मेरे बाल गिर रहे हैं नहीं मत करो मना करा था हरे बाल नहीं लगाने नहीं लगाने हरे बाल शादी है शादी देखो हमारे जय भैया डीओपी छोटे बड़े हो गए ये देखो मना कर रहा था शादी तो ये मैं ये कर रहा था मैंने तुम्हें बोला था कि शादी की डेट आ गई है नजदीक है तो तुमने हरकत जब बोले मैंने हरे बाल हटवा लो क्यों नहीं हटवाए ये देखा ना मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत गुस्सा आ रहा है देखो छोटे हो गए यहाँ बड़े हो गए आपने तो लगाई थी मैंने कुछ भी वो कह रहे हैं गुल्लू भैया ने आपने लगाई है हाँ अच्छा ये देखो सिमरन ये देखो नहीं ये देखो ये देखो ये पॉकेट का है ये देखो डर 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 हाँ दिख रही वो दिख रही वो दिख रही वो दिख रही तुमने किया नहीं पागल तुम्हारे पास कैसे आई थी इन्होंने बोला था तुमने किया है ना तुम ये वीडियो भी बना रहे हो व्लॉग बना रहे हो कुछ कर रहे हो तो कुछ मैं तो लाइव कर रहा लाइव मेरे जो ये बाल है ना मुझे वापस चाहिए मेरे को नहीं पता मैं इतने छोटे बाल लेके थोड़ी घूमूंगी ऐसे कर दिए यार तुम्हें हंसी आ रही है अब तुम रुको रुको अभी रुक तू बैठ जा तेरे को तो बताऊंगी मैं तू बैठ जा तू क्यों खड़ा हो रहा है चलो ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर घास क्या है अभी भी लेके बैठी हुई है पी लो चाय पी लो बाबू मेरी बाबू गरम गरम चाय गरम गरम और तुम्हारे बाल पे मैंने चिंगम लगा के ना गंजा किया ना तुम्हें तो बताना तो अच्छा अब बताऊंगी बदला नहीं है देखो समझदारी वाली बात करो जब तुम्हें मैंने बोला था घर वाले को ना करे हरे बाल हैं कटवा लो कटवा लो हटवा लो कर लेती मैं तुमने सुनी कितने टाइम से बोल रहा हूँ अरे टाइम मिला मुझे तुमसे जाने का आज मिल गया ना अब टाइम अब तो काट दे तुमने अब ये बताओ मैं क्या करूँ इसका सोल्यूशन क्या है अगर मैं शादी पे अगर मैं जुड़ा करूँगी तो कैसे करूँगी तीन महीने में बाल उग जाएंगे
तीन महीने में इतने नहीं आते यार, हमने बता दिया तीन महीने। नहीं 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 नहीं, चलो पता लग गया। तो गाइस हाँ, तीन महीने हमारी शादी को, लेकिन डेट नहीं बता रहे, लेकिन हमारी शादी में तीन महीने बाकी हैं। तो आपको मैंने हिंट दे दिया, इन्होंने किया है ना पसंद, बाल इतने अच्छे बाल, ये पूरे सही लग रहे हैं, देख रहे हो। काट दूंगा नहीं दोबारा, तो देखा गाइस हरे बाल ऐसे हटाए जाते हैं अगर आपकी होने वाली वाइफ या वाइफ ना माने किसी चीज के लिए, अगर आपको वो चीज नहीं पसंद है तो आप देखो, कहते ना सीधी उंगली से अगर गिनी निकलता तो टेढ़ी करने का है ना, तो वो ही करने का, ठीक है। तो मिशन इज कम्प्लीट, वो आपने देख ही लिया लाइव, ये मेरे को भी नहीं पता था लाइव आ रखी थी, लाइव ही काम कर दिया इसका सारा काम, ठीक है। तो देखो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैंने उसके बाल काटे, देखो फॉर अ रीज़न मेरे को काटने पड़ेंगे, मेरे घर वालों को नहीं पसंद ये चीज़ है ना, हरे बाल थे, शादी आ रही थी, नहीं अच्छा लगता ना, तो करे ठीक है, आप बात को समझो प्लीज़, मेरी भावनाओं को समझो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट तो मुझे पता है भर भर के गलती करोगे मुझे, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो इसलिए, ठीक है, बाय।